How are you? Today we are going to learn English grammar, grade 3, English grammar, grade 3, chapter 10, the, and apostrophe S. It is called apostrophe. और जो लिखा है apostrophe S. Apostrophe. Okay, now let's see some of the example related to this chapter. Now, जो apostrophe S दिया गया है वो हमको क्या दिखाता है? It's called positions, is used to show belonging or relationship. जो आपको ये दिख रहा है, अपोज जो मैं सर्कल कर रही हूँ पेंसिल से, वो देखो, जो आपको ये दिख रहा है वो किसी का रिलेशनशिप दिखा रहा है या किसी चीज़ को बिलोंग करता है वो दिखा रहा है. सो यहाँ पर सम ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर. नाउ सी, दैट इज माय अंकल. अंकल तो लिखा है, वॉच, हुज वॉच इट इज, अंकल वॉच. हमको सिर्फ अंकल की वॉच दिखानी है, सिर्फ बिलोंगिंग रिलेशनशिप किसकी है, अंकल की ही वॉच है. सो हमको क्या लिखना पड़ेगा? एपोस्ट्रॉफी एस. और जो ये दिख रहा है आपको वो अपोस्ट्रॉफी एस है जो मैं सर्कल कर रही हूँ. दैट शोइंग रिलेशनशिप बिलोंगिंग टू द ओनली अंकल्स वॉच. किसकी वॉच है? अंकल की वॉच है. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल हाउस. हम गर्ल्स हाउस बोलेंगे, बट किसका घर है? सिर्फ एक ही गर्ल का घर है. सो वी राइट हियर गर्ल्स हाउस अपोस्ट्रॉफी एस. एक ही लड़की का घर हमको दिखाना है. सो हियर गर्ल्स हाउस अपोस्ट्रॉफी एस में लिखना है. किसका घर है? सिर्फ एक लड़की का घर है. नाउ हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स. लुक एट हियर, आई हैव रिटन हियर गर्ल. उसका हम प्यूरल में लिखते हैं गर्ल्स. ओके, ये आप सबको पता है, गर्ल एंड गर्ल्स. अभी मुझे सिर्फ लड़कियों का दिखाना है तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा गर्ल्स अपोस्ट्रॉफी एस, लड़कियों का. उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने ये प्यूरल फॉर्म में लिखा है गर्ल्स एंड गर्ल्स, वी नो दैट. ओके, बट मुझे सिर्फ लड़कियों का दिखाना है तो यहाँ पर मुझे अपोस्ट्रॉफी एस तो है बट जो सिंबल है यहाँ पर लगाना तो वो क्या हो जाएगा? लड़कियों का. किसका हो जाएगा? लड़कियों का. नाउ नेक्स्ट इज देयर, दिस आर बॉयज बैट्स. यहाँ आपको जो दिख रहा है वो डिफरेंट है. यहाँ सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज एस यूज करते हैं. सिंबल आता है एस के पहले यहाँ पर, यहाँ सिंबल आता है एस के बाद. जो हमको दिखाता है प्यूरल फॉर्म है तो हमको प्यूरल फॉर्म एज इट इज ही रखना है, बट मुझे सिर्फ दिखाना है लड़कों का तो यहाँ पर मुझे उसका सिंबल लगाना पड़ेगा. और हमको सेंटेंस भी देखना पड़ेगा प्यूरल फॉर्म में है या सिंगुलर फॉर्म में है. सो दीज आर बॉयज बैट्स, बोला वही जाएगा बट मुझे वो दिखाना है सिर्फ लड़कों का तो यहाँ मुझे उसका सिंबल लगाना पड़ेगा. नाउ सी, दीज आर सोल्जर्स गन्स. किसकी गन है? सोल्जर्स. और यहाँ मुझे ये सिंबल लगाना है सोल्जर्स गन्स. नाउ वी यूज दिस एस इन अ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन. जब सिंगुलर नाउन होता है तब हमको यूज करना है, सेंटेंस भी देखना है. ओके, सिंगुलर है तब वी यूज दिस एस विद द प्यूरल नाउन. जो प्यूरल फॉर्म होता है तब हमको ए वाला एस यूज करना है. सो एवरीवन विल राइट डाउन इन योर नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज 33
33 exercise A. Exercise A. Rewrite this expression using apostrophe S. Now, example is that the dog belonging to Nisha. Kiski bag hai? Doll hai? Kiski doll hai? Nisha ki hai. So, yahan par humko kya likhna padega? Nisha, then apostrophe S and doll. The tail of the dog. Whose tail is dog? The dog to likha hi hai, but apostrophe S karke tail. The dog's tail. So, yahan par wo relationship kiski cheez hai? Relationship kiska hai? Wo dikha raha hai. So, yahan par hum sentence likhenge uska answer. The house belonging to Ravi. Whose house it is? Ravi's house. Okay. किसका घर है? हमको पहले noun ढूंढना है. Name. Then apostrophe has. और किसका है वो? उसका relationship किसके साथ है? House के साथ है. किसकी चीज दिखा रहे? House का. तो यहाँ हमको लिखना है house. The nest belonging to the bird. So here noun bird. Birds. Nest, bird के बाद apostrophe s, nest, the book belonging to Sonia, किसका है? Sonia's book, हमको क्या लिखना पड़ेगा? Sonia's book, apostrophe s and book, plural form में नहीं है, these are in a singular form, ये सब singular form में है, okay, so यहाँ पर noun क्या बनेगा? Sonia, name, the horns of the bull. So, यहाँ पर noun क्या है? Bull. Bull's horns. Bull's horns. Apostrophe S करके लिखना है. This is the symbol of apostrophe S. The pencil belonging to Vinay. Whose pencil it is? Vinay's pencil. So, this exercise you will do in your textbook. Now, next exercise. Page 34. Rewrite this expression using apostrophe S. Now, यहाँ पर है the school in which Varun studies. The school in which Varun studies. So, यहाँ पर who is the noun? Varun. और वो कहाँ पढ़ रहा है? School में. So, who किसके school की बात की है? Varun के school. Varun's school. The office in which Jyoti works. Now who is working? Jyoti. कहाँ काम कर रही है? ऑफिस में. So किसकी बात की है? Jyoti के ऑफिस की बात कर रही है. जहाँ वो काम कर रही है उसकी. So Jyoti's office. Next, father of Suhana. Whose father? किसके father की बात की है? Suhana के father की. So Suhana's father, apostrophe S and father. The teacher who teaches Madhu. The teacher who teaches Madhu. वो किसको पढ़ा रहे हैं? Madhu को. Whose teacher? Madhu की teacher है. Madhu's teacher. The movies in which Salman has act. Now whose movie? Salman's movie. सलमान्स मूवी. किस मूवी की बात की है? जो सलमान ने एक्ट की है वो मूवी की बात की है. सो यहाँ पर आपको लिखना है सलमान्स मूवी. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज 35. नाउ हियर इट इज इन अ प्यूरल फॉर्म. रीराइट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग दिस सिंबल. सो वो S सिंबल यूज करके लिखना है, बट दिस इज द प्यूरल फॉर्म. द ड्रेस इज बिलोंगिंग टू द गर्ल्स. गर्ल्स प्यूरल फॉर्म में है. द गर्ल्स ड्रेसेस. द शूज बिलोंगिंग टू द लेडीज. दिस ऑल द सेंटेंसेस आर इन अ प्यूरल फॉर्म. सो हमको apostrophe S का जो यूज है इस तरह से करना है. The ladies' shoes. किसकी बात की है? Ladies' shoes की बात की है. The shirts belonging to the boys. Whose shirt? Boys. एक नहीं, but बहुत सारे boys की बात की है. So, the boys' shirts.
द टॉयज बिलोंगिंग टू द बेबीज, एक बेबी की नहीं बट बहुत सारे बेबी की इस बात की है। सो यहाँ पर क्या लिखना है, द बेबीज टॉयज अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ है जो सिंबल है वो बाहर आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है टॉयज। द बैग बिलोंगिंग टू द गेस्ट्स, न हूज बैग, गेट्स, एक गेस्ट नहीं बट बहुत सारे गेट्स आर देर, सो द गेट्स बैग्स। नाउ नेक्स्ट rewrite these sentences using this symbol or apostrophe as words, hint second see words printed in a bold, आपको hint दी गई है उसके according आपको sentence बनाने हैं दो symbol use करके। The bag carried by Rahul is very heavy, किसने bag carry की है, Rahul ने, whose bag, Rahul's bag, यहाँ पर हमको Rahul's bag is very heavy, जो लास्ट में है सिर्फ हम बोल्ड को जो दिया है उसको ही हमको रीराइट करना है, अदर सेंटेंस वर्ड्स आर एज इट इज। द ऑफिस ऑफ माय फादर इज इन दिल्ली, सो हुज ऑफिस, माय फादर, माय फादर्स ऑफिस इज इन दिल्ली। नेक्स्ट द हॉस्टल ऑफ द बॉयज इज क्लोज्ड फॉर दिवाली, द बॉयज, यहाँ पर बॉय एक नहीं है, देयर आर सो मेनी बॉयज, हॉस्टल में एक बॉय नहीं रहता है, बहुत सारे बॉयज रहते हैं, सो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है वो पीछे सिंबल आएगा, हॉस्टल इज क्लोज्ड फॉर दिवाली। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन 4, द स्कूल ऑफ द गर्ल्स इज बिसाइड द हॉस्पिटल, गर्ल्स स्कूल की बात की, एक गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती है, बहुत सारी गर्ल्स वहां पर पढ़ती है, सो द गर्ल्स सिंबल देखना, स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल। प्लीज चेक वेदर द शूज ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लीन और नॉट, तो हमको जो बोल्ड दिया गया है वही चेंज करना है। ओके प्लीज चेक वेदर द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स शूज आर क्लीन और नॉट, सो राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अपोस्ट्रोफी एज सिंगुलर एंड इन द प्यूरल फॉर्म। थैंक यू।